हेलो गाइस, मेरा नाम अब्दुल बासित और आप देख रहे हैं स्मार्ट एक्स के यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस की जो ऑफिशियल ऐप है इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। मुकम्मल तरीके बताऊंगा, इसलिए आपने इस वीडियो को जो है वो लास्ट तक देखना है। तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है, अपने मोबाइल के अंदर प्ले स्टोर को ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ सर्च बार में आपने लिखना है पाकिस्तान पोस्ट और इसको सर्च करना है। जैसे आप इसको लिखेंगे और सर्च करेंगे तो ये ऐप आपके पास आ जाएगी। जब ऐप आ जाएगी तो आपने इस ऐप को जो है वो इंस्टॉल कर लेना है। मैंने ऑलरेडी इस ऐप को इंस्टॉल की तो मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन करेंगे तो यहाँ पर जो आप लोगों को कुछ इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर सबसे पहले नंबर जो ऑप्शन है वो है ट्रैक एंड ट्रेस। आप ट्रैक एंड ट्रेस के जरिए आप जो है वो किसी को कोई चीज़ सेंड करते हैं पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस के ज़रिए, या आप कोई भी चीज़ सेंड करते हैं पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस के ज़रिए, कोई लेटर या कोई भी चीज़, तो आप उसे ट्रैक कर सकते हैं। मतलब इस वक्त वो चीज़ जो है वो कहाँ पर पड़ी हुई है, जो आपने किसी को कोई चीज़ सेंड की है वो अगले बंदे ने रिसीव कर लिया, किस पोस्ट ऑफिस पड़ी हुई है। या अगर आपको कोई चीज़ सेंड करते हैं तो आप भी इस तरह चेक कर सकते हैं कि वो चीज़ कहाँ पर पड़ी हुई है, किस पोस्ट ऑफिस में, तो आप यहाँ से जो है वो ट्रैक कर सकते हैं। तो सिंपल आपने ट्रैक एंड ट्रेस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर आपने जो है वो ट्रैकिंग आईडी लिखनी होती है। अगर आप कोई चीज़ सेंड करते हैं पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस के ज़रिए या आपको कोई चीज़ सेंड करते हैं, तो वो जो पोस्ट ऑफिस वाले हैं वो एक आपको एक रसीद देते हैं कि आपने जो चीज़ सेंड की तो उसकी एक रसीद देते हैं, उस पर एक ट्रैकिंग आईडी लिखी होती है। अच्छा, यहाँ पर एक बात बताता चलूँ कि ये जो ट्रैक एंड ट्रेस वाला जो ऑप्शन है ये सिर्फ जो है वो यूएमएस वाले यूज़ कर सकते हैं। मतलब अगर आप पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस के जरिए यूएमएस कराते हैं अर्जेंट मेल सर्विसेज, तो वो वाले लोग जो है वो यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मल पोस्ट कराते हैं तो उसके लिए आप जो है ये ऑप्शन जो यूज़ नहीं कर सकते। तो अगर आपने यूएमएस कराया है पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस से अर्जेंट मेल सर्विस, तो आपको वो जो टोकन मिलता है उस पर एक नंबर लिखा होता है यूएमएस, और आगे एक नंबर लिखा होता है, जो रसीद होती है उस पर एक नंबर लिखा होता है यूएमएस, और आगे जो है वो एक नंबर लिखा होता है, वो बॉल पेन से लिखा होता है। तो वो यहाँ पर आपने जो लिखा होना होता है वो ट्रैकिंग आईडी होती है, वो यहाँ पर आपने लिखना होता है। तो मेरे पास एक नंबर है, वो यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, मैंने कॉपी किया हुआ था। इस तरह आपको भी वो जो टोकन होता है, जो रसीद होती है, उस पर इस तरह आपका नंबर जो है वो लिखा होगा यूएमएस, और इस तरह नंबर से लिखा होगा, वो यहाँ पर आपने जो है वो लिख लेना है। उसके बाद सिंपल आपने ट्रैक वाले ऑप्शन पर क्लिक करना। जैसे आप ट्रैक वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो सारी डिटेल जो यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं समरी में आर्टिकल आईडी, मतलब ये ट्रैकिंग आईडी है, उसके बाद बुकिंग ऑफिस लाहौर है, डिलीवरी ऑफिस जंग है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं आर्टिकल डिटेल 20 मार्च 2019, ये बहुत पुराना है। मेरे पास जो रसीद थी वो पड़ी हुई थी, तो ये बहुत पुराना है, 2019 में हमने कराया था, और 10:45 पर जो है वो लाहौर में एक बंदे ने जो है वो रिसीव कर लिए थे। यहाँ पर जो है सारी डिटेल जो है वो शो हो गई है। तो आप अपना जो आपका जो भी ट्रैकिंग आईडी होगी यहाँ पर आपने जो है वो लिखना होगा, उसके बाद ट्रैक पर क्लिक करेंगे तो आपको जो है वो डिटेल शो हो जाएगी। तो इस तरह आप जो है वो ट्रैक एंड ट्रेस वाला ऑप्शन जो है उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरे नंबर ऑप्शन है वो है रजिस्टर्ड कंप्लेन। अगर आप कोई शिकायत दर्ज करना चाहते हैं वो भी यहाँ से दर्ज कर सकते हैं। सिंपल आपने रजिस्टर्ड कंप्लेन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपने जो सबसे पहले सर्विस सेलेक्ट करनी है, यहाँ पर आपने क्लिक करना है, ये अर्जेंट मेल सर्विस सेलेक्ट होगा। आपने क्या कराया था या कौन सी प्रॉब्लम आपको आ रही है पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस के ज़रिए, वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर लेना है। मिसाल के तौर पर मैं अर्जेंट मेल सर्विस सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपने वो जो ट्रैकिंग आईडी होती है वो यहाँ पर लिखनी होगी। तो मेरे पास वो ट्रैकिंग आईडी है, मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूँ, मैंने कॉपी की हुई थी। उसके बाद यहाँ पर आपने क्रिएट कंप्लेंट पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपने अपना पूरा नाम लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है, बुकिंग डेट लिखनी है, बुकिंग ऑफिस लिखना है, सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट बिलो यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना होगा, यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर आपने जो है सेलेक्ट GPO करना होगा और रिमार्क्स देने होंगे। उसके बाद आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद आप थोड़ी सी और डिटेल देने की और आपकी कंप्लेंट जो है वो दर्ज हो जाएगी, जो भी शिकायत आपकी जो है वो दर्ज हो जाएगी। उसके अलावा जो हमारे पास तीसरे नंबर ऑप्शन है वो है एक्सप्रेस सर्विसेज़। आप यहाँ से डिटेल चेक कर सकते हैं एक्सप्रेस सर्विसेज़ की। यहाँ पर सिंपल आपने इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर एक्सप्रेस पोस्ट सर्विसेज़ और एक्सप्रेस फाइनेंशियल सर्विसेज, यहाँ पर दो ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। सबसे पहला नंबर जो ऑप्शन है वो है अर्जेंट मेल सर्विसेज़, आपने इस पर क्लिक करना है यूएमएस वाले ऑप्शन पर अर्जेंट मेल सर्विसेज़। यहाँ पर आपको सारी डिटेल जो वो शो हो जाएगी, यहाँ पर आप जो वो पढ़ सकते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट मिक्स, यूएमएस लोकल, सिटी टू सिटी, काउंटर कलेक्शन, यहाँ पर जो है वो सारा डिटेल जो है वो चेक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं वो जो कोई भी चीज़ अगर आप सेंड करते हैं तो वो 30 किलोग्राम से जो है वो ज़्यादा ना हो, उसकी जो है वो मैक्सिमम जो है वो लेंथ और विड्थ जो है वो 2.00 मीटर्स हो, यहाँ पर सारी डिटेल जो है वो चेक कर सकते हैं, यहाँ पर लिखी हुई है, तो आप खुद जो है उसको पढ़ सकते हैं। उसके अलावा एक्सप्रेस मेल सर्विसेज EMS, इसको भी आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर आपको सारी डिटेल जो है वो मिल जाएगी। इस तरह जितनी भी ऑप्शन हैं इसके बारे में अगर आप डिटेल चेक करना चाहते हैं यहाँ से जो है आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास ऑप्शन आता है वो चौथे नंबर पर, वो है ट्रिफ। आप यहाँ से जो है वो पैसे चेक कर सकते हैं कि कितने पैसे आपके बनेंगे अगर आप यहाँ से पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस से कोई चीज़ जो है वो सेंड करते हैं। जैसे अर्जेंट मेल सर्विस, कॉरपोरेट क्लाइंट आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, रेगुलर क्लाइंट आप जो भी हैं वो यहाँ पर यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा वेट कितना होगा, यहाँ पर मैं 1 लिख लेता हूँ, मतलब 1 ग्राम, और पाकिस्तान ये नीचे ऑटोमेटिक सेलेक्ट है। उसके बाद कैलकुलेट पोस्टेज, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो वो रेट शो हो जाएगा। यहाँ पर आप देखते हैं वेट 1 और ट्रिप 25, यहाँ पर आपको जो है वो शो हो जाता है। ऊपर इसकी टोटल कीमत जो है वो 2900 रुपये जो है बनती है। तो इस तरह आप यहाँ से जो है वो चेक कर सकते हैं।
उसके बाद जो हमारे पास पाँचवें नंबर पर ऑप्शन है वो है पोस्ट कोड्स। आप पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस के जितने भी पोस्टल कोड होते हैं वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अपने पोस्ट कोड वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको जो है वो शो भी हो जाते हैं और ऊपर सर्च बार में आप लिख भी सकते हैं जिस जगह का आप चेक करना चाहते हैं। यहाँ पर आप जैसे जितने भी पाकिस्तान में जो है वो पोस्ट ऑफिस है उनके पोस्टल कोड जो है वो यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। अगर आप ऑनलाइन काम करते हैं तो अक्सर हमें ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ पर आप जो है वो चेक कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं पेशावर का लिखता हूँ, थोड़ा सा ये आप लिखेंगे तो यहाँ पर आपको जो है वो सारे शो हो जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं पेशावर GPO और इसका जो 25,000 है, उसके अलावा जितने भी पोस्टल कोड है यहाँ से आप जो है वो चेक कर सकते हैं। अब अपने सिटी का चेक कर सकते हैं, यहाँ पर सर्च बार में आपने अपनी सिटी या जिस जगह का आप चेक करना चाहते हैं वहाँ पर आपने नाम लिखना है और वो आपका जो पोस्टल कोड है वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। उसके बाद जो हमें छठे नंबर ऑप्शन मिलते हैं वो लोकेट पोस्ट ऑफिस। आप चेक कर सकते हैं कि आपके इर्द गिर्द जो है वो नज़दीक कौन सा पोस्ट ऑफिस है। सिंपल आपने लोकेट पोस्ट ऑफिस पर क्लिक करें, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो अपनी लोकेशन ऑन करनी पड़ती है। तो मैं देख लेता हूँ मेरी लोकेशन ऑन है या नहीं, तो लोकेशन ऑफ है, मैं यहाँ पर लोकेशन ऑन कर लेता हूँ। जैसे आप लोकेशन ऑन करेंगे तो आप यहाँ से जो है फिर चेक कर सकते हैं। ऊपर आप देख सकते हैं ये जो आइकन सा बना है इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो करंट लोकेशन यहाँ पर शो हो जाएगी और उसके बाद आप यहाँ से जो है वो चेक कर सकते हैं कि पोस्ट ऑफिस आपके नज़दीक जो है वो किधर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पोस्ट ऑफिस मेरे इधर नज़दीक है, यहाँ पर मैं ये जो ब्लू वाला निशान है ये मैं और यहाँ पर जो है पोस्ट ऑफिस है। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि पोस्ट ऑफिस जो है वो किस जगह मौजूद है, मतलब आपके नज़दीक कौन सा पोस्ट ऑफिस है, यहाँ से आप ये भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो सातवें नंबर ऑप्शन है वो है पिकअप सर्विसेज। तो आप पिकअप सर्विस अगर लेना चाहते हैं पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस की, वो भी यहाँ से आप डिटेल चेक कर सकते हैं। पिकअप सर्विस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको डिटेल शो हो जाएगी, कौन से सिटी में आप रहते हैं वो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर अच्छा बंदों की डिटेल लिखी है, जैसे आप लिखते हैं फैसलाबाद में कॉन्टैक्ट पर्सन कौन है, या आगे नाम लिखा हुआ है, लैंडलाइन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल इसकी, लोकेशन इसकी, सारा जो है वो दिया हुआ है। तो अगर आपने पिकअप सर्विसेज पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस के लिए, तो आप इस बंदे से जो है वो रब्ता कर सकते हैं। हर बंदे सिटी जो है उसका अलग अलग बंदा है और यहाँ पर उनकी जो है वो डिटेल लिखी हुई है। ज़्यादा मेरे ख्याल में सिटी नहीं है, कुछ ही सिटीज़ हैं, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास ऑप्शन आता है वो है पाकिस्तान पोस्ट शॉप। यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ से अभी हमें पता चलेगा कि असल में यहाँ पर अगर आप बाहर मुल्क से कोई चीज़ कोई सेंड करता था उसके बारे में यहाँ पर आपको डिटेल मिल जाती है कि आप पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस के ज़रिए जो है बाहर से कोई चीज़ सेंड करता है, चीज़ नहीं पैसे अगर सेंड करता है वो यहाँ से आप जो है वो रिसीव कर सकते हैं। यहाँ पर सारी डिटेल जो है वो लिखी हुई है, आप किस तरह लिख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ कलेक्शन, रेमिडेंस ऑफ पेमेंट, ओरिजिनल CNC पिन कोड, जो सिक्योरिटी पिन कोड नंबर होता है, यहाँ पर आप जो है बाकी भी चेक कर सकते हैं, नेम एंड डिटेल्स और ये सारा जो है यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर आप पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस के ज़रिए पैसे रिसीव करना चाहते हैं, बाहर मुल्क में कोई भी रहता है, सऊदी अरब या किसी भी जो मुल्क में है, दुबई में, किसी भी जगह पर, वहाँ से जो है आप वो कोई पैसे सेंड करता है पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस के ज़रिए, वो आप यहाँ से रिसीव कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा है बरून मुल्क से नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान भेजी गई रकम पाकिस्तान पोस्ट के 500 मराकज़ पर बग़ैर चार्जेज वसूल की जा सकेगी। मतलब 500 ऐसे जो इन्होंने वो पोस्ट ऑफिस बनाए हैं उनसे बग़ैर चार्जेस, मतलब इस पर कोई फीस वगैरह नहीं होगी, आप पैसे जो है वो रिसीव कर सकते हैं। यहाँ पर आप खुद सारी डिटेल चेक कर सकते हैं, जैसे कि इस्लामाबाद में जो है वो 51 है, रावलपिंडी में जो है वो 86 है, लाहौर में 122 है, मुख्तलिफ यहाँ पर शहर हैं उनमें ये सर्विस जो है वो अवेलेबल है। यहाँ पर आप खुद भी ये सारी डिटेल जो है वो चेक कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास ऑप्शन आता है वो है रेस्ट हाउसेज़। अगर आप रेस्ट हाउस बुक करना चाहते हैं वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। सिंपल आपने यहाँ पर क्लिक करना है इस ऑप्शन पर, रेस्ट हाउसेज़ वाले पर, तो यहाँ पर आप जो वो डिटेल चेक कर सकते हैं। रेंट पर डे कैटेगरी ए में 3,000 रुपये एक डे के, रेंट पर डे कैटेगरी बी में 2,200 है, और रेंट पर डे जो कैटेगरी सी है वो 1,200 रुपये है। यहाँ पर कैटेगरी चेक कर सकते हैं कौन सी है। कैटेगरी ए कराची सिटी, मुल्तान, झेलम, मियांवाली, और यहाँ पर आप ये जो सारी सिटी है वो चेक कर सकते हैं। इस तरह कैटेगरी बी और कैटेगरी सी में भी मुख्तलिफ शहर है। उसके बाद यहाँ पर नीचे सारी डिटेल लिखी हुई है कि आप इनसे कॉन्टैक्ट किस तरह कर सकते हैं, ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, वेबसाइट दिया हुआ है, तो यहाँ पर सारी डिटेल जो आप खुद चेक कर सकते हैं अगर आपने रेस्ट हाउसेज जो है वो बुक करना है। यहाँ पर नीचे सारी डिटेल लिखी है, यहाँ पर नीचे आप लिखते हैं प्लीज़ नोट बिलो मेंशन इंस्ट्रक्शन बिफोर बुकिंग। अगर आप बुकिंग करना चाहते हैं उससे पहले ये सारा पढ़ लेंगे क्या लिखा हुआ है, क्योंकि ये सारी पढ़ लेंगे तभी आप बुकिंग कराएंगे तो आप फ़ायदे में रहेंगे। क्योंकि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मिसाल के तौर पर अगर आप जो है वो 48 घंटों में जो है इसको कैंसिल करते हैं जो आपने बुकिंग कराई है, तो 25% जो है वो ये लोग पैसे आपके काट देंगे। तो यहाँ पर और भी मालूमात लिखी हुई है, यहाँ से आप जो है वो पढ़ सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एंड में ऑप्शन आता है फॉरिजन रेमिडेंस। ये वही वाला ऑप्शन है जो हमने ऊपर देखा था, जो पहले एक यहाँ पर मैं देख लेता हूँ कौन सा ऑप्शन था, उसमें भी ये लिखा हुआ था यहाँ पर। हाँ, पाकिस्तान पोस्ट जो शॉप है इसमें और फॉरिजन रेमिडेंस, एक इन दोनों में एक जो है डिटेल लिखी हुई है। तो यहाँ पर अगर मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर भी आपको वही शो होगा कि आप बाहर मुल्क से कैसे पैसे रिसीव कर सकते हैं पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस से। तो यहाँ पर सारी डिटेल जो है वो लिखी हुई है, तो यहाँ पर आप जो है वो पढ़ सकते हैं। सारी डिटेल जो लिखी है, मुतहदा अरब अमारात, कुवैत, जापान, मलेशिया, सऊदी अरबिया, दुनिया भर से यहाँ पर लिखा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया, ओमान,
और कतर, ये सारी डिटेल जो है वो लिखी हुई है। आप यहाँ से जो है वो चेक कर सकते हैं कि बाहर मुल्क से अगर आपको कोई पैसे सेंड करते हैं तो आप कैसे जो है वो पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस से जो है वो ले सकते हैं। यहाँ पर आप ये सारे जो है वो वेस्टर्न यूनियन जितने भी एक्सप्रेस मनी, यहाँ से आप जो है वो पैसे सेंड कर सकते हैं पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस में। तो यहाँ पर सारी डिटेल जो है वो लिखी हुई है। अच्छा, ये ऐप के अंदर जितने ऑप्शन थे मैंने आप लोग को डिटेल बता दी है। उसके बाद यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हैं ये थ्री लाइन है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर होम वाला ऑप्शन, अगर होम पर क्लिक करेंगे तो हम यहीं पर दोबारा आ जाएंगे। उसके अलावा रजिस्टर कंप्लेन, वही ऊपर जो रजिस्टर कंप्लेन वाला ऑप्शन था वही यहाँ पर दोबारा, एक्सप्रेस सर्विस, ट्रिप, पोस्ट कोड्स, लोकेट पोस्ट ऑफिस, पिकअप सर्विस और कॉन्टैक्ट अस। अगर आप कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, ये एक्स्ट्रा जो यहाँ पर ऑप्शन आपको मिल जाता है वो है कॉन्टैक्ट अस, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं चेयरमैन, डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान पोस्ट, यहाँ पर डिटेल लिखी है। नेम जो है वो डियर नसीर अहमद ख़ान है और एड्रेस इनका ये लिखा हुआ है। फैक्स यहाँ पर जो है वो आपको मिल जाता है। तो यहाँ पर अगर आप कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं इन लोगों से तो यहाँ से जो वो कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सारी डिटेल जो है वो मिल जाती है। तो इस तरह अगर आप पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस को यूज़ करना चाहते हैं, पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस की ऐप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो यूज़ जो है वो कर सकते हैं। मुकम्मल डिटेल मैंने आप लोग को बता दी है सारी ऑप्शन के बारे में। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ वाले बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।